हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये डिश वॉशर डिस्पेंसर का। तो ये दिखने में तो बहुत इम्प्रेसिव लगा मुझे स्टार्टिंग में, बट क्या ये सच में उतना इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस में था या फिर यूजेज में था या नहीं था, तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो एंड तक और पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब टू अवर चैनल पी ब्रॉस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से और ये मुझे लगभग इसकी कॉस्ट पड़ी थी अराउंड 150 रुपीज़ के और इसका MRP भी उतना ही था जो मैंने बाद में चेक किया। तो चलिए दोस्तों फटाफट से बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं कैसे पैकिंग आती है इसकी, क्या क्या एक्सेसरीज इसके साथ आती है। तो ये पैकिंग तो कुछ ऐसा सच था नहीं, ये बाहर के बॉक्स में सीधा नॉर्मली प्लास्टिक बॉक्स में इसमें नहीं किया। और ये रहा फ्रीबी, तो ये छुरी उन्होंने फ्री दी थी मुझे इस ऑर्डर के साथ, जो कहीं पे भी अमेज़न पे मेंशन नहीं था हालांकि, बट हाँ जैसे ही ऑर्डर मैंने रिसीव किया तो ये मुझे मिली थी। तो ये हो गया एक्चुअल हमारा बॉक्स। ओके, तो इसके साथ ये स्पंज जो भी क्लीनर है वो आता है और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो प्राइस दी है उन्होंने, तो 150 रुपीज़ की प्राइस है। लिखा है जोया स्मार्ट 2-in-1 सोप डिस्पेंसर फॉर डिशवॉशर लिक्विड होल्डर मल्टी कलर 400 ml। तो इसकी कैपेसिटी बेसिकली है 400 ml, जो कि बहुत अच्छी कैपेसिटी है क्योंकि 400 ml एटलीस्ट 3 से 4 दिन के वॉश के लिए लगता है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे कलर लिखा है, प्राइस 149 इंक्लूडिंग टैक्सेस, और कब मैन्युफैक्चर हुआ था, मंथ ऑफ मई 2021। और ये जो VRTAG ग्रुप है ये इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो इसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ पे आप अमेज़ॉन पे सर्च करोगे तो बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग प्राइजेस आपको मिलेंगे। तो जो भी लिंक्स मैं बोल रहा हूँ वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है अमेज़ॉन की, जहाँ से आप ये परचेस कर सकते हो या फिर रिव्यूज़ देख सकते हो जो भी कस्टमर्स ने खरीदे हैं। तो ये स्पॉन्ज है, ये इसके साथ ही देते हैं, ये नॉर्मल सा स्पॉन्ज है। तो आप देख सकते हो ये दोनों साइड है, सॉफ्ट साइड थोड़ी हार्ड साइड क्लीनअप के लिए। और ये हो गया अपना एक्चुअल बॉक्स, इसमें देख सकते हैं आप ये स्प्रिंग है जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये उसमें 3 से 4 होल्स हैं, ये ऐसे इजीली निकलता है और कुछ ज़्यादा ये स्प्रिंग ही जो है वही मेन है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें फंक्शनलिटी या सच है नहीं। तो ये इजीली डिटैच भी हो जाता है, इजीली अटैच भी हो जाता है, बट ये इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि जब मैं इसमें फिर से अटैच करने जाता हूँ तो थोड़ी थोड़ी साइड से गैप रहती है। तो हो सकता है इसका जो डिज़ाइन वैसे दिया है, कॉर्नर जो राउंड है उसकी वजह से ये हो सकता है, बट ये उतना क्वालिटी का मुझे लगा नहीं पैकिंग और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग। ये देखिए यहाँ पे जब मैं पैकिंग करने जाता हूँ तो थोड़ी सी गैप साइड से रहती है, हालांकि उसका कुछ मुझे नुकसान तो नहीं दिखा, बट लुक एंड फील में वो अच्छा नहीं दिखता। तो ये है, ये ऊपर का हिस्सा है जो आपको नो प्रेस करके वहाँ पे आप जो लिक्विड सोप रहता है वो डिस्पेंस होता है। तो यहाँ पे स्पॉन्ज रख के मैं आपको आगे वीडियो में डेमो दिखाऊंगा कि कैसे करना है एक्चुअल में, तो ये ऐसे प्रोसेस से ये हो जाएगा। तो ये इसका एक थोड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि ये इतना इजी नहीं है, ये थोड़ा हार्ड है, तो जितनी बार आप उसमें प्रेस करेंगे उतनी बार आएगा, बट इसका थोड़ा टाइम लगता है इसको, और थोड़ा हार्ड है, इतना इजीली ये पुश नहीं होता नीचे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये अभी स्लोली कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी उसमें भरा है, तो आप देख सकते हो ऐसे ये पानी प्रेस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। बट हाँ, इसमें जो एक अच्छी चीज़ ये है
कि जो भी हम डिस्पेंसर या फिर जो भी हम लिक्विड सोप यूज़ करते हैं उसका यूसेज थोड़ा लिमिट में आएगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे डिस्पेंसर नहीं होता, नॉर्मली हम जैसे नॉर्मल पॉट में रखते हैं वो सीधा हम उसमें और जो भी क्लीन करता है वो डुबो देता है, तो थोड़ा यूज़ उसमें ज़्यादा होता है और इसमें जो भी है यूसेज लिमिट में हो जाता है। अभी पानी है तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, बट जब हम सोप डिस्पेंसर डालेंगे तो इससे भी कम डिस्पेंस होता है ये, तो जो कि एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो ये देखिए इतने बार प्रेस करने के बाद इतने तक आया, जो कि एक बार के लिए सफिशिएंट रहता है यूजुअली, तो इसीलिए ये देखिए तो ऐसे इसके कुछ स्नैप्स मैंने निकाले हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग एंगल्स से कितनी साइज है, क्या है। और देखिए चलो अभी डेमो की बात होगी, चलो जब डेमो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये जो स्पंज है इसमें जैसे आप ये स्पंज रख के इसमें प्रेस करेंगे तो देखिए आप देख सकते हो थोड़ा ये प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है इसमें। हो सकता है अभी ये न्यू है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, थोड़ा यूज़ करने के बाद हो सकता है ये स्मूथ हो जाए, तो ये कमेंट में आगे मैं डेफिनेटली बताऊंगा थोड़ी दिन यूज़ करने के बाद। आपको इसके बारे में और भी रिव्यूज़ चाहिए आफ्टर फ्यू डेज ऑफ यूज़ तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में नीचे क्वेश्चन कीजिए कि आई वांट रिव्यू करके, तो कुछ दिन के बाद मैं डेफिनेटली उसके ऊपर कमेंट करूँगा या फिर वीडियो बनाऊँगा कि कितना स्मूथनेस हुआ है क्या है। तो इस वीडियो को अगर मैं रेटिंग की बात करूं आउट ऑफ 10 आई विल रेट अराउंड 6 बिकॉज ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इसकी कॉस्ट अराउंड 70-80 रुपीज़ में होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो पूरा और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, बाय बाय।